डॉक्टर अनंतासन, एक आंकड़ा मेरे पास है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का है, जो बताता है कि गर्मी के मौसम में जो गरीब किसान है उसकी आमदनी में 2.4% तक का नुकसान दर्ज किया जा रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए नुकसान को गरीब किसान झेलेगा कैसे और किस तरह की कोशिशें वो कर सकता है कि इस नुकसान से वो बच जाए? जी, जैसे कि इसमें आपने बताया कि गर्मी के मौसम में नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे अभी डॉक्टर संजय जी भी बता रहे थे कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, समय समय पर पानी पीना होता है, तो ऐसे ही हमको जो है अपनी फसलों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती है उससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है पौधों से। अगर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है तो पौधों में नमी कम हो जाता है, तो हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका टपक विधि या छिड़काव विधि से उनको उसमें सिंचाई करनी चाहिए, तो इससे अगर टपक विधि से सिंचाई करते तो इसमें तो एक तो पानी भी कम मात्रा में लगता है और पौधों को जो कम कम पानी समय समय पर मिलता रहता है। पानी तो मिल ही नहीं रहा है, पानी की तो किल्लत हो गई है, अब पानी भी नहीं है, पौधों को बचाना भी है, खेती भी बचानी है, बीज की राह कोई है कि मैं, बीज का सलूशन कुछ है? देखो, इसमें तो एक आप जैसे नेट से आप पौधों को ढक सकते हैं, दूसरा जैसे आप पलवार विधि भी कर सकते हैं, मल्चिंग हम जिसे कहते हैं, तो मल्चिंग से जैसे आपके पुराने अवशेष हैं, आपके पौधों के अवशेष हैं, उससे भी आप फसलों को ढक सकते हैं, और जैसे जिस डायरेक्शन से आपकी हवा आ रही है, हीट वेव आ रही है, उस डायरेक्शन में आप बड़े पौधे अगर आपका लगे हैं, जैसे मक्का की फसल है उसके साथ में आपकी छोटी फसलें लगी हुई हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं या पत्तेदार सब्जियां लगी है, इस तरफ से आप फसलों को थोड़ा सा उसको बचा सकते हैं। इसमें एक और उपाय है, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की भी आपकी कमी है, तो जिस दिशा से आपकी जो है हीट वेव आ रही है उस दिशा में आप स्प्रिंकलर लगा दीजिए, और उससे थोड़ा सा जो जैसे स्प्रिंकलर आप खोल दीजिए, तो जब हवा आपकी जो है उस डायरेक्शन से आपके खेत में आएगी तो वो थोड़ा ठंडी होकर आएगी, उसका तापमान कम होगा, तो आपकी फसलों को कम नुकसान देगी। इसके अलावा जैसे आप और भी विधि कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप की जैसे किस्में हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, जो थोड़ा सा जो है हीट को सहन कर सकती है, उस टाइप की भी किस्में का चयन कर सकते हैं, तो ये थोड़े थोड़े जो उपाय हैं। तो इस तरह की प्रतिकूल स्थितियां, इस तरह की अपोजिट सिचुएशंस जब आती हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है, किसान ट्रेंड है, ये किसान को अभी प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है इस तरह की विधियों को अपनाने के लिए, सोल्यूशन के लिए? देखो, इसके लिए तो किसान को थोड़ा ट्रेनिंग लेने की जरूरत जरूर है, और उनमें जो है अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, और जैसे कि आप देख ही रहे कि मौसम में काफी विविधता आ रही है, मैं ये कह रही कि आज तापमान 6-7 डिग्री ज्यादा है, ये जरूरी नहीं कि कल भी सामान्य से ज्यादा रहेगा, तो मौसम की जानकारी उनको जरूर लेनी चाहिए, विशेषकर अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, क्योंकि खेती और मौसम का आपस में ये कहते हैं कि चोर दामन का होता है, मौसम के साथ अपडेट रहना चाहिए, डीडी किसान देखना चाहे, और जैसे कि अभी आने वाले दिनों में, ये तो आपका जो पिछला समय है वो तो चला गए, आने वाले दिनों में अभी जैसे कि एक अच्छी खबर अभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आगे जो है मानसून की वर्षा सामान्य रहेगी। मैं वो अच्छी खबर तो है, लेकिन फिर बाढ़ ना आ जाए, किसान भाई तो परेशान रहता है। इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूं, लेकिन आप देखेंगे कि मौसमीय वर्षा जो है, जो आपकी होती है जून से लेकर सितंबर तक, ये तो इन्होंने बताया कि सामान्य रहेगी, लेकिन उसका वितरण कैसा होगा, और जैसे कि पिछले कई वर्षों से हम देख ही रहे हैं कि वर्षा की जो तीव्रता है उसमें काफी वृद्धि हो रही है, जो बारिश आपकी 6-7 दिन में होने वाली है वो बारिश 1 या 2 दिन में ही हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि बारिश ना होकर बाल्टी से कोई पानी डाल रहा है, ऐसा भी हम लोगों ने देखा है अभी पिछले 1-2 सालों में, जब हम छोटे छोटे थे तो हमने देखा था कि बरसात का मौसम था, बारिश रुकती नहीं थी, कम कम बारिश हो ही रही है, पूरे दिन हो रही है, इवन मतलब हफ्तों तक बारिश होती रहती थी, लेकिन अभी का जो समय आ रहा है आप देख रहे हैं, बारिश तो आपका मौसम विभाग को सही बता देता है कि सामान्य हो गई है, लेकिन वो बारिश एक दिन में हो रही है या उसका वितरण कैसे? चलिए, हमारे पास तो कुछ मेमोरीज तो है जो हम शेयर कर पाएंगे, हमारे बच्चे तो कहेंगे कि एक बारिश ऐसी हुआ करती थी, ये बारिश है, बारिश के चित्र देख लें या यूट्यूब में देख लें, क्योंकि बारिश मौसम सब हमसे छूटता जा रहा है।